मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजे हिस्टरी का सैकेंड लैसन चल रहा है द रीजनल। इस दे विच आपां पिछे अलग अलग रीजन के बारे, रीजनल पावर्स के बारे पढ़ के आए हैं। चोलास के बारे पढ़िया सी लास्ट के विच आपां। उस तो बाद आज आपां की पढ़ना है, चोलास एडमिनिस्ट्रेशन। चोलास का जो प्रशासन सी किस तरह के नाल चलाया जाता सी। सब तो पहला कैपिटल ऑफ चोलास किंगडम वॉज एट तंजौर। तंजौर इन्हां दी कैपिटल सी, विच वॉज लेटर शिफ्टड टू कांचीपुरम, जिहड़ी के बाद विच कांचीपुरम दे विच शिफ्ट कर दित्ती गई सी। मतलब बाद विच कांचीपुरम बना दित्ती गई, पहलां तंजौर सी। चोलास किंगडम डिवाइडड इन टू प्रोविंसस कॉल्ड मंडलम। चोला दा जो किंगडम सी, जो राज भाग सी, वह बहुत सारे प्रोविंसस विच डिवाइड सीगा, जिन्हू की कहा जांदा सी मंडलम। हरेक मंडलम अगे बहुत सारे वलाडूस वंडिया हुंदा सी। ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्ट आ, छोटिया छोटिया इकाइया है जिन्हां दे विच वंडिया होया सी सारा। जिवें आपां कह दिंदे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर पिंड की पंचायत हुंदी है ना, उस तरीके दे नाल ही। ये भी पहला प्रोविंस विच वंडिया हुंदा सी, प्रोविंस नूं मंडलम कहिंदे सी। मंडलम अगेन डिवाइडड इन टू नंबर ऑफ वलाडूस, नंबर ऑफ वलाडूस विच वंडिया हुंदा सी। एंड वलाडू कंसिस्टस ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ते वलाडू विच अगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आउंदे सी, जिले आउंदे हुंदे सी। इस तरीके दे नाल इन्हां दा जो शासन है वह वंडिया हुंदा सी। चोला किंग हैड अ काउंसल ऑफ मिनिस्टर, चोला राजे कोले काउंसल ऑफ मिनिस्टर भी हुंदी सी। नाल नाल स्पैशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटड टू लुक आफ्टर वेरियस ब्रांचस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिहड़े कि एडमिनिस्ट्रेशन दियां अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ब्रांचस नूं देखदे हुंदे सी, सारा सुपरविजन करदे सी, तां करके काउंसल ऑफ मिनिस्टर ते स्पैशल ऑफिसर रखे हुंदे सी। अगे गल करदे हां एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरिया, पिंडां दे विच एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह दा हुंदा सी। रूरल एरिया दे विच एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द विलेजर्स, विलेजर्स द्वारा ही चलाया जांदा सी, थ्रू अ विलेज असैम्बली और सभा। जां तां उत्थे विलेज असैम्बली हुंदी सी ते जां फिर सभा हुंदी सी, जिवें आपां पंचायत कह दिंदे आ। ठीक है, उस तरीके दे नाल हुंदी सी, उहदे द्वारा ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जांदा सी। द डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आर फाउंड इन द इनस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ सम ऑफ द विलेज टैंपल। कहिंदे चोलास दे एडमिनिस्ट्रेशन दे बारे जे असीं होर डिटेल लैनी होवे तां सानूं कित्थों मिल सकदी आ? इनस्क्रिप्शनस, इनस्क्रिप्शनस मैं तुहानूं अगे दस्सिया सी है ना, जो कंधां दे उपर खुदवाई भी हुंदी है राइटिंग। तां विलेज किसे भी कहिंदे उहनां उस टाइम दे विलेज दे जो टैंपल सी उहनां दियां कंधां ते इनस्क्रिप्शनस खुदवाए हुए आ, उत्थों सानूं इहनां बारे डिटेल विच पता लग सकदा है। लैंड ओनर्स, विलेजर्स मोस्टली लैंड ओनर्स एंड पीपल फ्रॉम हायर कास्टस वर चूजन इन द विलेज असैम्बली। हुण की सीगा कि हायर कास्ट के पीपल ते लैंड ओनर्स, मतलब जमीन जायदाद वाले रिच परसन जिहड़े हुंदे सी, ओह विलेज असैम्बली जां सभा नूं चुण लैंदे हुंदे सी। ते असैम्बली सब डिवाइडड इन टू समॉल कमेटीज़, अगे विलेज असैम्बली जां सभा अगे समॉल कमेटीज़ दे विच वंडी हुंदी सी। छोटियां छोटियां कमेटियां बनिया हुंदियां सी, जिवें आपां कह सकदे हां कि सेफ वाटर ड्रिंकिंग कमेटी होगी है ना, ते जां वेलफेयर कमेटी होगी। इस तरह अलग अलग कमेटियां बनिया हुंदियां सी, जिहड़ियां कि अलग अलग उहनां नूं काम सौंपे हुंदे सी ते वधिया तरीके नाल उह काम करदे हुंदे सीगे। असैम्बली अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉयल ऑफिसर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हुण जिहड़ी इह असैम्बली हुंदी सी, इह इहदे ते भी किसे दा कंट्रोल हुंदा सी। किहदा कंट्रोल हुंदा सी? रॉयल ऑफिसर्स, जिहड़े भी शाही ऑफिसर हुंदे सी उहनां दे अधीन इह असैम्बली हुंदी सी। अग्गे गल करदे हां, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रैगूलर सर्वे ऑफ लैंड। लैंड का रैगूलर सर्वे हुंदा सी, लगातार लैंड का परीक्षण किया जाता सी। साल हो सकता है भी हरेक साल विच किया जाता होवे, एवरी ईयर किया जाता होवे। लैंड अंडर कल्टीवेशन वर केयरफुली मेजर्ड एंड होल्डिंग वर रजिस्टर्स। कहिंदे जिन्नी भी लैंड जो कल्टीवेशन के अधीन हुंदी सी, जो वाही योग जमीन हुंदी सी, उहनू मेजर किया जाता सी, मिणिया जाता सी ते रजिस्टर्ड कर लिया जाता सी। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड फॉर द वेलफेयर फॉर कॉमन पीपल इन केस ऑफ फेलियर ऑफ देयर क्रॉप्स
द पीजेंट्स वर एक्सेम्पट फ्रॉम पेइंग द लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सस। जदों भी कहें किसी साल हो सकता है क्रॉप्स ना होए, फेलियर ऑफ क्रॉप्स की होंदा है, मतलब जाता बहुत ज़्यादा मीह आउण दे नाल, हड़ आउण दे नाल उन्हां दी फसल मारी गई होगी, जां ड्राउट दी कंडीशन दे विच उन्हां दी फसल मारी गई होगी, नहीं पैदावार हुई, प्रोडक्शन नहीं हुई। उस टाइम ते जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन दे जो चोला ऑफिसर हुंदे सी वो पीजेंट्स दी हेल्प करदे हुंदे सी, उन्हां नूं किसी भी तरह का उस साल जिहड़े साल फसल ना हुई होवे उन्हां नूं किसी भी तरह का टैक्स जो जां लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना पैंदा सी। ईजी फाइनेंशियल असिस्टेंस वर ऑलसो प्रोवाइडेड टू दैम टू मीट सच कॉन्टीजेंसीज। कहें भी उन्होंने किसी भी तरह की जो आपातकाल स्थिति होंगी सी, जो मतलब कि भी प्रॉब्लम वाली स्थिति होंगी सी, संकटकालीन स्थिति होंगी सी, तो उन्होंने फाइनेंशियल सहायता भी ईजली प्रोवाइड की जाती सी। नैक्सट गल करते हैं इकनोमिक कंडीशन वाले। चोलास की इकनोमिक कंडीशन चोला किंगडम की बहुत वधिया सीगी। कॉमन पीपल जिहड़े सी वर साउंड एग्रीकल्चर उन्हां दा मेन अक्यूपेशन हुंदा सीगा, नाल नाल एग्रीकल्चर दा पूरा पूरा ध्यान रखा जांदा सी, इरीगेशन दे अरेंजमेंट पूरे कीते जांदे सी, ते किसी भी तरह दा कोई थीव्स तो रॉबर्स तो कोई डर नहीं हुंदा सी उस टाइम ते, ठीक है। ते कमर्शियल रिलेशन जिहड़े सी वर डेवलप्ड विद मैनी अदर कंट्रीज, दूजे कंट्रीज दे नाल कमर्शियल रिलेशनस डेवलप किए जाते सी। देयर वर प्रोस्पीरियस ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशियाज एशियन कंट्रीज। प्रोस्पीरियस मतलब कि भी बहुत वधिया ट्रेड चलता सी किन्ना नाल, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दे नाल। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स इंजॉयड द हाई स्टेटस इन सोसाइटी। ट्रेडर्स ते मर्चेंट दा स्टेटस सोसाइटी दे विच हाई हुंदा सी बहुत ज़्यादा। अगे गल करते हैं लैंड रेवेन्यू दी जां सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब कि रेवेन्यू की हुंदा बेटे कर, कर मतलब भी टैक्स जिथों आमदन आउंदी होवे सरकार नूं, ठीक है, जां किसी किंगडम नूं, तां उन्हां दी आमदन दे साधन किहड़े सी, उन्हां दे कर ते सोमे किहड़े किहड़े हुंदे सी। चोलास एडमिनिस्ट्रेशन दे विच रेवेन्यू ऑन लैंड एंड द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड टैक्स ट्रेड वर द टू मेन सोर्सिस ऑफ रेवेन्यू। कहें चोलास के टाइम पर एक तो लैंड से जरा टैक्स लेना है, तो एक ट्रेड तो जरा टैक्स बनता सी, ये दो मेन सोमे सीगे उस टाइम पर इनकम दे कर इकट्ठा करन दे। विलेज असैम्बलीज वर इंट्रस्टड विद द जॉब ऑफ कलैक्शन ऑफ टैक्सस एंड रेवेन्यूज। कहिंदे विलेज असैम्बली जिहड़ी सी ओह इस तरह के काम करती हुंदी सी वी टैक्स नू कलैक्शन करनी, है ना, ते जां रेवेन्यू इकट्ठा करना, ये सारा उसका ही काम हुंदा सी। अ ह्यूज सम स्पेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर सर्विस लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशनल कैनल्स टैंक्स डैम्स पॉन्ड्स वेल्स। कहिंदे ज़्यादा तो ज़्यादा रेवेन्यू का जो पार्ट हुंदा सी वो सिर्फ लोगों की भलाई वास्ते ही लाया जाता सी, जिमें कि सिंचाई दे वास्ते नहरां नूं खुदवाना, तालाब बनाने, ठीक है, तो जां कोई खूह वगैरह बनाने। सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स एंड आर्मी वर पेड फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी। जिहड़ी भी जो सरकारी ऑफिसर हुंदे सी जां सैनिक हुंदे सी उन्हां नूं सैलरी देनी हुंदी सी ओह स्टेट दी ट्रेजरी चों दित्ती जांदी सी, स्टेट दे खजाने चों दित्ती जांदी सी। मैनी एक्सीलेंट टैंपल्स वर ऑलसो बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड। ते उस पीरियड दे दौरान बहुत सोहने सोहने टैंपल्स भी बनवाए गए सी। सो ओवरऑल असी कह सकते हैं अज असी जिन्ना क पढ़िया है उस तो बाद आपां हजे चोलास दे रिलीजियस बिलीफ्स, चोला दा आर्ट एंड आर्कीटेक्चर किवें दा सीगा वो भी सारा पढ़ांगे, बट जिन्ना क आपां हुण तिकर इन्हां दा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िया है उस तो आपां नूं पता लगता है कि चोलास दी जो इकनोमिक कंडीशन सी उन्हां दे किंगडम दी एज वैल बहुत वधिया सी, वो बहुत जिहड़े सी प्रोस्पीरियस सीगे, ट्रेड वगैरह चल रहा सीगा, ते चोलास ने जो भी कर वगैरह टैक्स वगैरह हुंदे सी वो लोकां दी भलाई दे वास्ते ही वो किंगडम यूज़ करता सी।